नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर हुआ था, और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक्चुअली आपके वो एंगल गेजेस है। एंगल गेजेस क्या है? बेसिकली एक एंगुलर मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। जैसे आपने स्लिप गेजेस देखे थे लीनियर मेजरमेंट में, सेम वैसे एंगुलर मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड बोल के ये यूज़ होते हैं। इसका आपको अगर बताया जाए बेसिकली एंगल मतलब क्या, इट इज़ द ओपन बिटवीन टू लाइंस। अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो एक पॉइंट पे कहाँ पे मीट होते हैं, और उन दोनों का बीच में का जो एंगल रहेगा आपका वो क्या होता है, जो ये रहेगा उसको एंगल कहते हैं। एंगल गेज बॉक्स आर सेटिंग एंड इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट वेरी सिमिलर टू स्लिप गेजेस। दे आर डिज़ाइंड फॉर शॉप एंड टूल रूम यूज़ और मशीन और इंस्पेक्शन। ये क्या है कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है कि टूल रूम में या इंस्पेक्शन में, जहाँ पे आपको कुछ तो जॉब का सेटिंग करना है। यहाँ पे इसका यूज़ क्यों है, क्योंकि जो एंगल में जो एरर आता है आपको अगर किसी कोई जॉब सेट करना है इस एंगल पे, तो अगर आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से वगैरह सेट करते हो तो उसमें आपका एरर आ सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉक्स है ये हार्डन ब्लॉक्स है जो आपको क्या करते हैं, आपका सेटिंग टाइम मिनिमाइज़ करने में मदद करते हैं। आप इसमें देख सकते हो इसके जो मेजरिंग फेसेस जो है वो क्या है, परफेक्टली लैपिंग के वाले। जैसे आपको मैंने स्लिप गेजेस में बताया था ये जो फेस है इसका, ये लैप्ड है। और यहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर यहाँ पे प्लस साइन लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन लिखा है, और यहाँ पे उसका जो एंगल है वो एंगल भी लिखा है 41 डिग्री। और ये जो फेस है उसका ये और ये लैप्ड है। इसमें अभी ये जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, उसका 41 डिग्री रहेगा। अभी उसके बाद देखना है कि इसमें सेट क्या क्या है। देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये 12 मतलब दो अलग अलग सेट में अवेलेबल है, एक 12 नंबर्स में और एक 13 नंबर्स में। जो 13 नंबर्स में रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें एक स्क्वायर ब्लॉक रहता है, परफेक्टली स्क्वायर रहता है, वो एक स्क्वायर ब्लॉक अवेलेबल रहेगा। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे कि डिग्री का सेट है यहाँ पे, ये जो मार्क है ये जो मार्क है आपका वो डिग्री का मार्क है, यहाँ पे ये मार्क डिग्री का है। फिर 41 डिग्री, 27 डिग्री, 9 डिग्री, एक 6 डिग्री का है, ये ऐसे इतने चार सेट डिग्री के हैं। फिर जो एक 3 डिग्री का भी यहाँ पे सेट है, 3 डिग्री, ठीक। उसके बाद मिनट का सेट रहेगा, 3 मिनट, 27 मिनट, 1 डिग्री का भी है यहाँ पे। अभी इसका मेन यूज़ कैसे होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। कंसिडर करो मुझे ये 41 एंगल है, ये 41 एंगल में मैंने क्या किया यहाँ पे, ये 9 एंगल क्या क्या मुझको अगर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा ये दोनों के बीच में का, वो कितना रहेगा, 50 रहेगा। अगर सेम मैंने इसको क्या किया, ये दोनों प्लस यही साइड में थे तो ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे किया, अपोजिट साइड में किया, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तो क्या होगा, अभी ये जो एंगल आएगा मेरा ये क्या होगा, 41 माइनस 9 का जो एंगल आएगा वो ऐसा रहेगा। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है, इसमें डिग्री का सेट रहेगा, मिनट का सेट रहेगा और एक सेकंड का सेट रहेगा। ऐसे 3 डिग्री, मिनट और सेकंड, ऐसे 3 अवेल डिफरेंट टाइप ऑफ के ब्लॉक्स आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।